हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज डिपोज एंगल के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई इंक्लाइन सरफेस है, इस इंक्लाइन सरफेस का इंक्लाइनेशन थीटा है, ठीक है। इस पर बॉडी कोई डब्लू रखा गया है, ये जो डब्लू है डब्लू रखा गया, इसका डब्लू वेट है, जिसके कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा, इसका मान डब्लू होगा। तो इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल आएगा, इस इंक्लाइन प्लेन जिसका जिसे नॉर्मल जो रिएक्शन आएगा इस वेट के कारण, एन लिख दिए इसका, और ये जो एंगल है ये जो थीटा बनाएगा, और तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू कोस थीटा हो जाएगा। डब्लू से डब्लू कोस थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और पार्लर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डब्लू साइन थीटा हो जाएगा। डब्लू साइन थीटा जो है उसको हम गिराने वाला फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये इस फोर्स के कारण बॉडी जो है इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है, इसलिए इसे हम गिराने वाला फोर्स भी कहा जाता है। इस मोशन के कारण विपरीत डायरेक्शन में भी एक फोर्स आएगा आपका, विपरीत डायरेक्शन में, तो इसे हम फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, जो म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर होता है। यह नॉर्मल जो है डब्लू कोस थीटा के बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर इंक्लाइन तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सब फोर्स समान है, बराबर रहेंगे। तो यहाँ इसे हम फ्रिक्शन फोर्स को एडजस्टेबल फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि एडजस्ट करता है अपना मैग्नीट्यूड को, और ये मतलब कि डायरेक्शन को भी अप्लाइड लोड के कारण मतलब कि करता है। इसे हम बचाने वाला फोर्स भी करता है। डब्लू साइन थीटा से तो नीचे गिर रहा है, लेकिन म्यू इंटू डब्लू कोस थीटा से ऊपर बचा रहा है। वो जब मतलब कि बॉडी रेस्ट में रहेगा तो हमेशा बचाने वाला फोर्स रहेगा। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि आपसे कि म्यू इंटू डब्लू कोस थीटा हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल होगा डब्लू साइन थीटा से, यानी कि बचाने वाला फोर्स हमेशा गिराने वाले फोर्स से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऊपर पुल करेगा ज़्यादा से तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, उसका तो लिमिटिंग मान है ना जी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डब्लू डब्लू कट करके म्यू ग्रेटर इक्वल टू टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा लेस इक्वल टू म्यू है, थीटा का मान होगा टेन इनवर्स म्यू। तो थीटा का मैक्सिमम मान को ही हम लोग कहते हैं रिपोज एंगल कहते हैं। थीटा को मैक्सिमम मान थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू होगा, उसी को कहते हैं मतलब कि रिपोज एंगल कहते हैं। मतलब कि इस यदि इससे कम रहेगा मान थीटा, तो बॉडी एकदम रुका हुआ रहेगा उस प्लेन पर, कभी नहीं मूव करेगा, तो एंगल ऑफ रिपोज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू होगा। यदि हम दूसरा टर्म में इसको हम समझना चाहते हैं दूसरा तरह से, तो मान लीजिए वही चीज़ आपका एक इंक्लाइनेशन प्लेन है, मान लीजिए इंक्लाइनेशन प्लेन है, इस पर कोई बॉडी आपको रखा गया है, ये देखिए बॉडी रखा हुआ है, जिसके गिराने वाला फोर्स लगेगा, ये मतलब कि डब्लू वेट का बॉडी है, जिसके गिराने वाला फोर्स डब्लू क्या लगेगा, कोस साइन थीटा का कंपोनेंट आता था, डब्लू साइन थीटा इसको बचाने वाला रहेगा, क्योंकि मूवमेंट नीचे की ओर है तो फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की ओर, उसका मान हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल क्या है डब्लू कोस थीटा, तो म्यू इंटू डब्लू कोस थीटा, इसे बचाने वाला फोर्स या एडजस्टेबल फोर्स भी कहा जाता है इसको, है एडजस्ट करता है मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन को, इसे गिराने वाला फोर्स भी कहा जाता है। जब बचाने वाला गिराने वाला फोर्स जो रहता है लेस रहता है, बचाने वाला फोर्स यानी कि बचाने वाला फोर्स ज़्यादा रहेगा तब ना बढ़े, यदि थीटा बढ़ा रहे हैं तो डब्लू साइन थीटा बढ़ रहा है, क्योंकि थीटा बढ़ने से साइन थीटा बढ़ रहा है, तो गिराने वाला फोर्स बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि थीटा बढ़ेगा तो गिराने वाला फोर्स बढ़ेगा, और बचाने वाला फोर्स कम गया है, कोस थीटा पर डिक्रीज करता है, मान कोस थीटा थीटा इंक्रीज करने पर डिक्रीज करता है और साइन थीटा पर इंक्रीज करता है, तो एक ऐसा एंगल आएगा जिस पर दोनों बराबर हो जाएगा, गिराने वाला और बचाने वाला, तो उसी को थीटा को हम लोग कहते हैं कि मतलब कि रिपोज एंगल कहते हैं। इससे ज़्यादा यदि थीटा होगा ना जी, तो मतलब कि बॉडी नीचे की ओर बढ़ जाएगा। तो हम लोग एक लाइन में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम एंगल, इज द मैक्सिमम एंगल एट विच बॉडी एट रेस्ट, एट विच बॉडी एट रेस्ट, यानी कि एंगल ऑफ द रिपोज इज द मैक्सिमम एंगल एट विच द बॉडी एट रेस्ट।